1980 की बात है, 1980 की बात है, जब एक फेमस ट्रेडर जिनका नाम रहता है रिचर्ड डेनिस, वो एक बहुत ही बड़ी चीज करने वाले रहते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में। मैं आप लोगों को बता दूं कि 1970s में इस शख्स ने करीब $5,000 को लेके आने वाले कुछ सालों में $100 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया था। तो जो लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में पोटेंशियल नहीं है, ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं बना सकता है, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बट हम लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। वेल, इन्होंने अपने एक दोस्त जिसका नाम था विलियम, उनके साथ एक शर्त लगाई। उन्होंने शर्त लगाई कि भाई ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो लोगों को सिखाई जा सकती है, इट कैन बी टॉट। लेकिन उनके दोस्त कहते थे कि नहीं भाई, ये एक इनेट एबिलिटी है, एक ऐसा टैलेंट है आपके अंदर जिसके कारण आप इतना सारा पैसा बना सके हो। लेकिन डेनिस इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने स्किल्स पे और उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है कि उन्होंने अपने पैसे दे दिए अपने स्टूडेंट्स को ट्रेड करने के लिए। जी हाँ, उन्होंने कुछ ट्रेडिंग रूल्स बनाए, उन्होंने कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जिसमें कि हर चीज कवर्ड थी, किस प्रकार से ट्रेड लिया जाए, किस प्रकार से पोजीशन साइजिंग की जाए, किस प्रकार से एंट्रीज सेट की जाए, स्टॉप लॉस सेट किया जाए, एक्सिट टैक्टिक्स और भी बहुत सारी चीजें। आज के इस वीडियो में जो कि आस्क एके का ही एक पार्ट है, हम बात करने वाले हैं टर्टल ट्रेडिंग के बारे में, जिसके बारे में सवाल पूछा था मिस्टर बाइकर ने। जी हाँ, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, साइकोलॉजी, कोई भी चीज है, तो कमेंट्स में जरूर पूछेगा। और चलिए मंचूरियन खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये आस्क। जी हाँ, सबसे पहला सवाल जो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि ये टर्टल ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। वेल, टर्टल ट्रेडिंग एक रेनाउंड ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है जो कि विश्व भर के ट्रेडर्स यूज करते हैं। यहां पर केवल एक चीज का सबसे ज्यादा महत्व होता है और सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है और उसे हम कहते हैं मोमेंटम। जी हाँ, मोमेंटम के फायदे से यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहां पर जो ब्रेकआउट्स होते हैं या ब्रेकडाउन्स होते हैं, चाहे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो रहा है, अपसाइड या डाउनसाइड जा रहा है, इसके मोमेंटम को परख करने के बाद ही यहां पर ट्रेड किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि डेनिस भाई साहब का जो फोर्टे था, जो उनकी स्पेशलिटी थी, वो ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं था, वो कैश ट्रेडिंग नहीं था, वो था फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे भी और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में फ्यूचर्स जरूर लिख दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो मेक श्योर 15,000 लाइक्स का हम टारगेट करते हैं, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आते जाएं। वेल, आप लोगों को बता दूं कि इस पूरे जो टर्टल ट्रेडिंग का सीरीज रहता था उसमें 2 वीक्स तक रिपीटेड अगेन एंड अगेन सिखाया जाता था और उसके बाद रिजल्ट्स देखे जाते थे। तो जो हार्डकोर ट्रेनिंग होती थी वो 2 सप्ताह 2 वीक्स की होती थी, उसके बाद सिखाया जाता था। लेकिन आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये टर्टल नाम क्यों रखा गया, टर्टल ट्रेडिंग क्यों नाम रखा गया। वो इसलिए बिकॉज डेनिस भाई साहब सिंगापुर गए थे और सिंगापुर में उन्होंने टर्टल फार्म्स देखे थे और देखा था किस प्रकार से टर्टल्स को ट्रेन किया जाता था और उनको कितना इंप्रूव किया जाता था, और यही सोच के उन्होंने इसका नाम टर्टल ट्रेडिंग रखा था। लेकिन सिंपल सा सवाल है कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कैसे किया, एडवर्टाइज किया या फिर तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था, किस प्रकार से किया। वेल, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एड छपवाया, उन्होंने एड छपवाया कि मुझे इस प्रकार के लोग चाहिए जिनका ट्रेडिंग से कोई नाता नहीं है और मैं उनको ट्रेडर्स बनाऊंगा। और इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने सिलेक्ट किए 14 भाग्यशाली लोग। इन 14 लोगों को सिलेक्शन कैसा किया गया था, क्वेश्चनर भेजा गया था मेनली ट्रू और फॉल्स के, जिसमें कि अलग अलग सवाल पूछे गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो क्या आप 20,000 रुपीज पर ट्रेड पे रिस्क करेंगे, क्या आप डिप्स में बाय करेंगे या फिर जब मार्केट ऊपर जा रहा है ब्रेकआउट में उसको और बाय करेंगे, इस प्रकार के ट्रू और फॉल्स के सवाल पूछे गए थे। वैसे ये टर्टल्स को जो सारी चीजें सिखाई गई थी इसमें सबसे प्रमुख थी ट्रेडिंग रेंजेस और ब्रेकआउट्स। ये सारी चीजें वैसे आप लोग भी सीख सकते हो, जैसे कि मैंने ऑडियो फॉर्मेट में सीखा। कैसे? मैं सुन रहा था सटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग और ये मैं सुन रहा था कुकू एफएम पे। यहां पर इस तरह के काफी सारी अच्छी फाइनेंशियल किताबें हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकती है, और सबसे बढ़िया बात, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो और यूज करते हो मेरे कोड AK50 तो फर्स्ट 250 यूजर्स को 50% ऑफ भी मिलेगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। वेल, इनका जो फंडामेंटल बेसिक रहता था वो ये रहता था कि एंट्री हम करेंगे 40 डे का हाई जैसे ही ब्रेक होगा उस तरफ, और एग्जिट कब करेंगे इसको आज भी सीक्रेट रखा गया, कॉपीराइट बना के रखा गया। वेल, लेसन हम लोगों के लिए क्या है कि किसी भी ट्रेडर को हमेशा ट्रेंड के साथ रहना चाहिए, उनको इस तरह के स्टॉक्स या फिर इंडाइसेस को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज वो कहते थे कभी भी 2% से ज्यादा अपने कैपिटल को रिस्क मत करो।
देख रहे हैं किस प्रकार से एक ग्रुप ऑफ नॉन ट्रेडर्स को सिखाया गया किस प्रकार से बड़े मुनाफा बनाए जाए, इन्होंने कैसा परफॉर्म किया स्टूडेंट्स ने, ये सारी चीजें तो बताऊंगा, लेकिन जरूरी होता है कि हम टोटल ट्रेडिंग के 5 प्रमुख इंपॉर्टेंट रूल्स को समझे। वो 5 इंपॉर्टेंट रूल्स कौन से? पहला, हमेशा हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट पर ही ट्रेड किया जाए। ये लोग करते थे फ्यूचर्स में बिकॉज यहां से पहली चीज लिक्विडिटी थी, एंट्री एग्जिट आराम से हो सकता था और इनका अकेला पूरा ग्रुप मिलकर किसी भी सिक्योरिटी को ऊपर नीचे नहीं ले जा सकता था, इसलिए ये पहला रूल है। दूसरी चीज पोजीशन साइजिंग, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग था। हम लोग पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं, हमारे पास कैपिटल कितना उसके बेसिस पे, ये वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट के बेसिस पे इनके एल्गो बेस्ड रूल्स होते थे जो कैलकुलेट करके बताते थे। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो पोजीशन छोटी होती थी, कम होता तो पोजीशन ज्यादा होते थे, इस प्रकार से वो डिसाइड करते थे। नेक्स्ट उनका एंट्री रूल, 40 डे रूल तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर उनको थोड़ा शॉर्ट टर्म पे लेना रहता था तो वो 20 डे के ब्रेकआउट पे लेते थे और थोड़ा लॉन्ग टर्म में लेना था तो 55 डे का ब्रेकआउट लेते थे, तो 20, 40 और 55। नेक्स्ट होता था स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ये लोग एंट्री करने से पहले ही डिटरमाइन कर देते थे बिकॉज डेनिस भाई साहब का मानना था कि अगर एक ट्रेडर को लंबा खेलना है तो ही हैज टू मेक श्योर कि उनके लॉसेस कभी भी एक्सीड ना हो एज कंपेयर टू व्हाट दे आर गोइंग टू रिस्क। एंड फाइनली जो उनका रूल रहता था वो ये रहता था कि अपने मार्केट मूवमेंट्स को एनालाइज करो, ना कि केवल न्यूज पढ़ो। वो न्यूज के सख्त खिलाफ थे, उनको कहना था कि सारी चीजें चार्ट बता देती हैं तो न्यूज व्यूज देखने का कोई फायदा नहीं होता, आप केवल मार्केट के मूवमेंट पे ध्यान दें। वेल, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये हुआ कि डेनिस भाई साहब ने पर्सनली जो पहले दो ग्रुप्स को ट्रेन किया था जिसमें उनके ट्रेनर्स ने उन्होंने खुद ने ट्रेन किया था, उन लोगों ने बनाया करीब करीब $175 मिलियन इन द नेक्स्ट 5 years, क्यूमुलेटिव की बात करो। और इससे आपको एक चीज समझ में होती है कि अगर आप लोग किसी से सीखने भी जाते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि आपके पास एक लंबा टाइम हो। इसलिए आप देखोगे कि हमारा भी जो प्रीमियम चैनल रहता है जिसपे हम वर्क करते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां पर हमारे पास एनुअल और लाइफ टाइम वाला प्लान भी रहता है ताकि आप लोगों को समय समय पर इस चीज का गाइडेंस मिलता रहे। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या इस तरह की चीज कोई भारत में कर रहा है? अगर कर रहा है तो कौन कर रहा है? वेल, फिलहाल के लिए इंडिया में कोई कुछ नहीं कर रहा इस तरह से। आप पूछोगे ऐसा क्यों, अगर इतने सारे ट्रेडर्स हैं, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं तो इस तरह की ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे कि नॉन ट्रेडर्स को सिखाया जाए? उसके दो रीजन है। डेनिस भाई साहब ने ये ऑलमोस्ट अपना रिटायरमेंट प्लान बनाया हुआ था, इन द सेंस वो ऑलरेडी पैसा बना चुके थे, वो काफी सालों से ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने ये चीज ली। ट्रेडिंग का जो क्रेज है भारत में वो लास्ट 1-8 डिकेड से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो अभी हमारे पास समय है। वो जो पुराने ट्रेडर्स जब एक रिटायरमेंट लेंगे उसके बाद शायद वो चीज कर पाएंगे बिकॉज इन देयर लाइवलीहुड, इन देयर यंग एज, एवरी ट्रेडर वॉन्ट्स टू फोकस ऑन देयर ओन करियर, प्लस वो किस तरह से मल्टीपल एवेन्यूज बना सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स बना सकते हैं। तो पहला रीजन वो हो गया, और दूसरा रीजन ये है बिकॉज दिस रिक्वायर्स टाइम कमिटमेंट एंड मिशन। आप खुद देखिए, अगर किसी ग्रुप को लेकर 2-3 हफ्ते तक अगर ट्रेन करना है तो बड़ा मुश्किल होगा। मेरी बात करें तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो प्रीमियम मेंबर्स रहते हैं या फिर जो लोग मेरे साथ एसोसिएट हो रहे हैं, सूनर और लेटर वो ट्रेडिंग में काफी अच्छा बने, और ये आपको फीडबैक से भी पता लगता ही होगा जब अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को सबसे बड़ा टेक अवे लेना है इस चीज से, इस पूरे एपिसोड से, तो वो ये है कि इवन इफ आप फाइनेंस फील्ड से नहीं है, इवन इफ आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, इवन इफ आप MBA इन फाइनेंस नहीं है, इवन इफ आपने CFA नहीं किया, CMT नहीं किया, तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला होगा, कुछ नया सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में Kuku FM का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। एंड टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।